आते ही कांवड़ियों के बोल बम जयकारों से आकाश गूंजने लगता है। सावन मास लगते ही हजारों कांवड़ यात्री मां नर्मदा से जल भरकर सैकड़ों मील दूर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और क्षेत्र की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में आज धार जिले के अमझेरा से बोल बम कांवड़ यात्रा कोटेश्वर से जल भरकर 110 किलोमीटर की यात्रा तय करके 5 रोज में अमझेरा के सभी मंदिरों में भगवान के चरणों में जलाभिषेक करेंगे। शिव कांवड़ यात्री मां नर्मदा से जल ले जाकर यह कांवड़ यात्रा अमझेरा के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी। लगातार 4 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा अलग अलग स्थानों से जल भरकर लाती है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। प्रथम वर्ष ओमकारेश्वर, द्वितीय वर्ष उज्जैन महाकालेश्वर, तृतीय वर्ष जाना पाव एवं चतुर्थ वर्ष कोटेश्वर से जल भरकर ले जा रहे हैं। इनका यह प्रयास है कि प्रति वर्ष अलग अलग स्थानों से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करें, जिससे हम सभी की आस्था बनी रहे। अमझेरा से आप ये बताइए कि जो कांवड़ यात्रा है ये कहाँ से लेकर कहाँ जा रहे हैं? हमारी ये कांवड़ यात्रा पवित्र धाम कोटेश्वर से अमझेरा लेकर जा रहे हैं, जो तकरीबन 110 किलोमीटर की यात्रा है और ये लाहौरी बलवारी वाले हनुमान जी तीर्थ, जामली के शिव मंदिर, धोला हनुमान, पंथा और बलेड़ी होते हुए ये 4 दिनों की यात्रा पूर्ण करते हुए अमझेरा पहुंचेंगे और अमझेरा में माँ नर्मदा नदी का जो पवित्र जल हम ले जा रहे हैं कांवड़ में भरकर, वहाँ के जो प्रमुख 5 शिवालय हैं उन 5ों शिवालयों पर हम भगवान भोलेनाथ का इससे अभिषेक करेंगे। कितने वर्षों से चल रही यात्रा और कहाँ से लाए हैं जल? ये विगत 4 सालों से चल रही है। इसके पूर्व हम ओंकारेश्वर तीर्थ से और उज्जैन से और इसके बाद फिर जाना पाव से हम ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ निकाल चुके हैं।